नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल टाइम पास एंड आर्ट की तरफ से। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है और आज तक का सबसे बड़ा लूट ऑफर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना, और ऑफर को अप्लाई करने के बाद आप कमेंट पर बताना आपको ये ऑफर कैसा लगा। तो चलिए ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं, और आपको इस ऑफर के जरिए आप लोग को अनलिमिटेड मनी अर्निंग का मौका मिल जाएगा। तो चलिए ऑफर को अप्लाई कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन है वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर, और बगल वाला घंटी को भी बजा दो। उससे ये होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ऑफर या अर्निंग रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये ऑफर आ रहा है हेलो एप्लीकेशन की तरफ से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा आपको। उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वीडियो कंटिन्यू रहो। और दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है, इसको ऑफर का अप्लाई करने के लिए आप लोगों को दोनों एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा इसका अनलिमिटेड ट्रिक यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों, आपको पैरेलल स्पेस को पता है तो उसको पहले इंस्टॉल करके रखो, उसके बाद इस ऑफर का अप्लाई करो, ठीक है। तो दोस्तों, हेलो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ओपन करना होगा। तो ओपन करने के बाद आपको इस तरफ का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको कोई भी ऑप्शन आता है या फिर बैनर आता है तो ठीक है, या फिर नहीं आता है तो कोई भी बात नहीं। यहाँ पर जो पैसा का आइकॉन है यहाँ पे राइट कॉर्नर में, तो वहाँ पर आप टैप करोगे तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग देने के बाद यहाँ पर रूल्स माई अर्निंग कैश अर्निंग कैश नाउ यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको टैप करना होगा, उसके बाद आपको साइन अप करने के लिए पूछा जाएगा, या फिर सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको टैप नहीं करना, पहले आपको पहले यहाँ पे मेन का जो आइकॉन है यहाँ पे करना है टैप। ये जो नीचे वाला मेन का आइकॉन है यहाँ पे आपको टैप करना होगा, जो प्रोफाइल का आइकॉन है यहाँ पे टैप करने के बाद आपको साइन अप करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपका जो नंबर से आप पेटीएम लिंक करके रखा है, मतलब आपका पेटीएम अकाउंट है, उसी नंबर को यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबर को टाइप करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और ओटीपी को वेरीफाई कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे ओटीपी आ चुका है 7544, तो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है मेरा अकाउंट। और यहाँ पे आईडी सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ पे कोई भी सर आईडी सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेट कर लिया हूँ ऑलरेडी। उसके बाद आपको फिर से होम पेज में आ जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो पैसा का आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना, अर्निंग कैश नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। यहाँ पे जो आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर दिखा रहा है तो ये आपको नहीं दिखाएगा, पहले आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद आपका व्हाट्सअप ऑप्शन आ जाएगा। तो आप एक काम कर लीजिएगा, किसी भी बंदे को या फिर फ्रेंड को, किसी भी फ्रेंड को आप ये जो ऐप का लिंक है वो उसको शेयर कर दीजिए। तो ऐप का लिंक नहीं जाता है यहाँ पे, डायरेक्टली एपीके फाइल सेंड हो जाता है। तो ये जो सेंड फाइल कर रहे हो ये आपको सक्सेसफुली सेंड करना होगा, क्योंकि आपका लिंक से ये जो एप्लीकेशन है इसी को यूज़ करके फ़ायदा होगा। तो आपको सक्सेसफुली सेंड करना होगा, ठीक है। ये यहाँ पर छोड़ दोगे तो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ये सक्सेसफुली सेंड होने के बाद आपको करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेंड कर लेता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको बैक जाना होगा। होम पेज पे बैक आने के बाद आपको हेलो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अनइंस्टॉल। तो यहाँ पे अनइंस्टॉल करने के बाद आपको जिसको आपने जिसको लिंक सेंड किया है, आपका खुद का लिंक से जो एप्लीकेशन सेंड किया है व्हाट्सएप पे, उसी पेज के अंदर जाना होगा। तो मैं व्हाट्सएप में आ जाता हूँ, उसके बाद उसी मेरा जो रेफर लिंक से सेंड किया है एप्लीकेशन, उसी ऐप को इंस्टॉल कर लेता हूँ फिर से दोबारा, ठीक है। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ, तो दोस्तों फिर से इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको हेलो एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे टर्न ऑन इंग्लिश मोड पे टैप कर देना होगा। उसके बाद आपका खुद का जो सिलेक्टेड लैंग्वेज है आपका खुद का चूज़ कर लीजिए, वहाँ पे मैं बंगाली को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे मेन का आइकॉन पे जाना है, और फिर से आपका जो नंबर से आपने रजिस्टर किया है उसी नंबर से यहाँ पे साइन अप कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ, फिर से सेम प्रोसेस है। तो फिर से मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के यहाँ पे सक्सेसफुली साइन अप हो जाता हूँ, मतलब लॉगिन कर लेता हूँ, और उसी आईडी को मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे काम खत्म होता है, तो फिर से काम शुरू होगा पैरेलल एप्लीकेशन का। तो चलिए पैरेलल एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, या फिर आप पहले से इंस्टॉल करके रखा है पैरेलल एप्लीकेशन तो आपको डेटा क्लियर कर देना होगा। तो मैं यहाँ पे कर, तो दोस्तों देखो, पैरेलल स्पेस एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, पहले से मैंने इंस्टॉल करके रखा था तो इसका डेटा जो है क्लियर कर दिया हूँ मैंने। आप भी पहले से यूज़ करते हैं तो उसका डेटा आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। और पैरेलल एप्लीकेशन के अंदर आपको कैसे करना होगा वो तो आपको पता है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, जो भी परमिशन मांगेगा आपको अलाउ करना होगा। उसके बाद आपको पैरेलल एप्लीकेशन के अंदर जो हेलो एप्लीकेशन है उसको क्लोन बना लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके मैं आपके सामने ही क्लोन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बहुत सारा एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगा, जितना एप्लीकेशन आपका फोन पर इंस्टॉल है, तो आपको सिर्फ हेलो एप्लीकेशन को क्लोन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सब टिप को मैं हटा देता हूँ और सिर्फ हेलो एप्लीकेशन जो है उसको सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो नहीं आया है, तो अगर आपको भी ऐसा होता है यहाँ पे जो हेलो एप्लीकेशन नहीं आता है, तो आप किसी भी एक एप्लीकेशन को पहले क्लोन कर लीजिए, उसके बाद आपको फिर से ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं जैसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए, उसके बाद ऐड ऐप पे क्लिक करोगे आपको सभी एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बाकी सब टिक को मैं हटा देता हूँ, उसके बाद हेलो एप्लीकेशन को ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पे सामने आ चुका है। तो हेलो एप्लीकेशन को फिर से क्लोन कर लेता हूँ। तो क्लोन करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो मतलब आप जो भी रखना चाहते हो उसको रख सकते हो, या फिर बाकी सब डिलीट कर दीजिए, सिर्फ हेलो एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लीजिए।
तो उसके बाद आपको हेलो एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करना होगा और ग्रांट कर देना होगा परमिशन, जो मांगेगा आपको यहाँ पे अलाउ कर देना होगा सभी परमिशन को, तब जाके आपको एप्लीकेशन ओपन होगा। तो यहाँ पे ओपन हो जाने के बाद आपको फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कोई भी नंबर का जरूरत नहीं, कोई भी ईमेल एड्रेस का जरूरत नहीं, फिर भी आपको 5 रुपीज़ का रेफरेंट के लिए जो है मिल जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया लूट ऑफर है, आप जितने बार करोगे तो आपको उतने बार ही पेमेंट मिलता जाएगा, और कोई फेक एप्लीकेशन नहीं है, आपको इंस्टेंट पेमेंट मिल जाएगा और उसका प्रूफ मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर फिर से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद आपको मेन का आइकन जो है यहाँ पे, नहीं दोस्तों यहाँ पे मेन का आइकन पे नहीं क्लिक करना है, आपको बैनर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो आपको यहाँ पे जो पैसे का आइकॉन है यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ी लोडिंग लेगा। तो थोड़ी देर रुकते हैं, यहाँ पे पैसे का आइकॉन आ चुका है, तो यहाँ पे जो राइट साइड पे कॉर्नर पे, तो यहाँ पे पैसे का आइकॉन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अर्निंग कैश नाउ ऑप्शन मिल जाएगा, तो लेकिन वहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना, माई अर्निंग पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो माई अर्निंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको साइन इन के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पे साइन इन के लिए वहाँ पे क्लिक कर देना होगा, लेकिन आपको साइन अप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फेसबुक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, तो फेसबुक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी देर आपको रुकना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दो और बाद में आपको लॉगिन भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं जी करता हूँ यहाँ पे, सेम प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा, मेरा जो वीडियो के अंदर मैं करके दिखा रहा हूँ उसी प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे उल्टा सीधा कोई भी यूज़र आईडी लॉगिन करने के लिए ट्राई कीजिएगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा स्पेंड करना होगा यहाँ पे टाइम, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको बैक चले जाना होगा, ठीक है। तो आपको बैक जाने के बाद आपको, तो दोस्तों उसके बाद आपको पूरा बैक कर देना होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देना होगा, आपको कुछ नहीं करना है। और तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे मेरा जो मेन एप्लीकेशन है उसको अंदर जाके मुझे जो पेमेंट मिला या नहीं, या फिर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले मैं यहाँ पे हेलो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, मेरा जो मेन एप्लीकेशन है उसको ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन कर लिया है आप लोगों के लिए, जल्दी से जल्दी वीडियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो अर्निंग का ऑप्शन है, यहाँ पे पैसा का आइकॉन है, वहाँ पे क्लिक करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ अर्निंग का। देखो दोस्तों यहाँ पे 5 रुपीज़ मुझे मिल चुका है और ऑलरेडी मैंने 5 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया हूँ, मतलब दो ज्वाइनिंग कर लिया हूँ, मैंने आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कर रहा हूँ और पहले ऑलरेडी मैंने करके रखा था। तो ये जो प्रोसेस है इसको रिगार्डिंग मुझे पेमेंट मिला या नहीं आप लोगों को मैं प्रूफ दिखा दूंगा, उससे पहले आप लोगों को जो अनलिमिटेड ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप जिस तरीके से ये ऑफर, मतलब जो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, मतलब रेफर एंड अर्न का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, उसी तरीके से आपको करना होगा। तो सबसे पहले और मैं और एक बार करके दिखा देता हूँ, ये तो एक पहले बार के लिए प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद आपको फिर से जाना होगा यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर और इंस्टॉल एप्लीकेशन के अंदर, उसके बाद आपको पैरेलल स्पेस सर्च कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद पैरेलल स्पेस एप्लीकेशन का डेटा पूरी तरीके से आपको क्लियर डेटा कर देना होगा, तो यहाँ पे क्लियर डेटा कर देता हूँ। उसके बाद आपको और एक चीज़ करना होगा, तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ आपको गैलरी के अंदर जाना होगा जो कि फाइल मैनेजर है। तो दोस्तों फाइल मैनेजर के अंदर जाने के बाद आपको पूरा जो फोल्डर है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिखने को मिल जाएगा, पैरेलल इंटेल, यहाँ पे INTL, ये जो फोल्डर है इसको डिलीट करना होगा पहले। उसके बाद आपको फिर से जाना होगा जो हेलो एप्लीकेशन है उसको पैरेलल पे क्लोन कर लेना होगा, जैसे कि मैंने पहले किया है उसी प्रोसेस को फॉलो करके, सेम प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे क्लोन बना लेना पहले, तो मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं हेलो एप्लीकेशन को क्लोन बना लिया हूँ, उसके बाद ओपन कर लेता हूँ और एक बार यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ आप लोगों के सामने अर्निंग करके। तो अलाउ कर देना है दोस्तों सभी परमिशन को, उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो ओपन होने लगेगी यहाँ पे, तो उसके बाद आपको फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे ऐड आ चुका, तो ऐड को क्लोज कर देता हूँ मैंने, तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तो मैं आप लोगों के सामने प्रूफ दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फिर से लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे बंगाली को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपका जो भी पसंद है लैंग्वेज, और यहाँ पे टर्न इंग्लिश मोड जो है इसको ओपन करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, उसके बाद आपको फिर से जो जाना होगा यहाँ पे वेट करना होगा, या फिर बैनर आ जाए, या फिर आपको पैसा का आइकॉन है वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो बैनर आ जाए तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे तो बैनर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पैसा का आइकॉन है यहाँ पे शो हो जाएगा, टैप करोगे तो जैसे कि यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपको माई अर्निंग का ऑप्शन पर जाना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तो देख सकते हो तो यहाँ पे माई अर्निंग का ऑप्शन आ चुका। तो माई अर्निंग पे क्लिक करने के बाद आपको साइन अप करने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको साइन इन के लिए क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको कहीं पे नंबर डालने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे फेसबुक ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी गलत सलत यहाँ पे एंटर करना करते रहिए, तो मैं जैसे कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लगा है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं उल्टा सीधा कोई भी यूज़र आईडी और कोई भी पासवर्ड को ट्राई कर रहा हूँ लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको 2-3 बार करना होगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा यहाँ पे, और उसके रिगार्डिंग आपको जो कैशबैक है मतलब रेफर कर लिए तो वो कैशबैक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 बार ट्राई कर लीजिए, ट्राई अगेन, उसके बाद आपको फिर से बैक चले जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैक चला जाता हूँ, पूरा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, और तो क्लियर हो जाने के बाद मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे देख सकता हूँ बैनर पे मिल चुका है मुझे और 5 रुपीज़। तो मैं फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ हेलो एप्लीकेशन को,
तो चलो यहाँ पे माई अर्निंग पे जाता हूँ, तो मेरा अकाउंट पे 10 रुपीज़ हो चुका है। तो इसको विड्रॉ मैं आप लोगों के सामने करके दिखा देता हूँ और इंस्टेंटली हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले जब आप पेटीएम अकाउंट लिंक करोगे तो यहाँ पे 2 बार नंबर को एंटर करना होगा, यहाँ पे पेटीएम नंबर, और यहाँ पे फिर से कंफर्म करना होगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे नेम डाल के यहाँ पे लिंक पेटीएम अकाउंट पर क्लिक कर देना होगा, तो बाइंड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको विड्रॉ पे क्लिक कर देना होगा, तो आपको सक्सेसफुली विड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ और देख सकते हो यहाँ पे 15 रुपीज़ टोटल विड्रॉ कर लिया हूँ मैंने। तो आपके सामने विड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, वीडियो पॉज नहीं करके यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, आपके सामने देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ चुका है, 10 रुपीज़ मुझे मिल चुका है ये पेमेंट जो है, तो आपको भी मिल जाएगा। तो आप ट्राई करना, ये कोई फेक एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कितने देर तक ये पेमेंट देगा। तो जितना देर तक आपको पेमेंट मिलेगा आप इसे रिडीम करता रहना, ठीक है। तो ये देख सकते हो, मैं पासबुक में जाके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले मैंने 5 रुपया रिडीम किया था, ये टेक्नोलॉजी की तरफ से आया है, तो फिर से मैंने ये 10 रुपये रिडीम किया है। तो आपके सामने प्रूफ मैं दिखा दिया है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट पे ज़रूर बताना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।